हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एलिस और लुकस नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ अपनी मॉम के घर रहने के लिए जा रहे होते हैं। डैड उन्हें घर के बाहर ही छोड़कर बाहर से वापस चले जाते हैं। जब एलिस और लुकस घर के अंदर जाते हैं तो वो दोनों काफी एक्साइटेड होते हैं अपनी मॉम से मिलने के लिए, लेकिन घर के अंदर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें उनकी मॉम नहीं मिलती, बल्कि घर का सारा सामान बहुत बिखरा हुआ होता है। अब कुछ ही देर में उनकी मॉम बाथरूम से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। उन्होंने अपने फेस पर एक मास्क लगाया हुआ होता है और वो दोनों से कहती हैं कि मेरे फेस की सर्जरी हुई है, इसलिए मैं ये फेस मास्क नहीं उतार सकती हूँ, जिसकी वजह से उन बच्चों का अपनी मॉम से मिलने का एक्साइटमेंट बहुत कम हो जाता है। मॉम एलिश को एक वेलकम गिफ्ट देती है जिसे पाकर वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन उन दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि जब मॉम अपना मास्क उतारेंगी तब उनका चेहरा कैसा होगा। इसके बाद उनकी मॉम उनके पास आती है और उन्हें कुछ रूल्स समझाने लगती है, जैसे तुम्हें मेरे बेडरूम में नहीं आना है और साथ ही पास वाले शूटिंग स्पॉट पर भी नहीं जाना है। बच्चे अपनी मॉम से गले मिलकर बेहद खुश होते हैं और साथ ही एलिस उन्हें एक पेंटिंग देता है जिसे पाकर उसकी मॉम का रिएक्शन कुछ खास नहीं होता। इसके बाद सब लोग साथ में बैठकर टीवी देखने लगते हैं और उनकी मॉम उन्हें कहानियां सुनाती है और उन्हें गुड नाइट बोलकर उनके रूम से बाहर जाने लगती है। तब लुकस एलिस से कहता है कि मॉम ने हमें वो सॉन्ग नहीं सुनाया जो हमेशा सुनाया करती थी, जिस पर एलिस लुकस से कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो शायद भूल गई होंगी। लेकिन ये सब बातें दरवाजे के बाहर उनकी मॉम सुन लेती है। अब सुबह हो जाती है, लुकस और एलिस खेल रहे होते हैं तो वो उसी शूटिंग स्पॉट पर जाते हैं जहां उनकी मॉम ने उन्हें जाने से मना किया था, लेकिन ये दोनों नहीं मानते और वो उसके अंदर चले जाते हैं। वहां पर जाकर एलिस को अपने बचपन का कुछ सामान दिखाई देता है, लेकिन पास में ही उसे एक लकड़ी पर खून भी लगा हुआ दिखता है, जिसे देखकर एलिस काफी परेशान हो जाता है और वो उस कोटेज से बाहर भाग जाता है। और बाहर आते ही उनकी मॉम दिखाई पड़ती है जो कि बहुत गुस्से में होती है। गुस्से में वो एलिस को नीचे गिरा देती है। गिरने की वजह से एलिस को हाथ में चोट आ जाती है। लुकस एलिस की चोट पर दवाई लगा रहा होता है, लेकिन उन दोनों के दिमाग में वही बात चल रही होती है। अब रात हो जाती है, एलिस सो रहा होता है, तभी उसे फिर से वही चीज ब्लड स्पॉट दिखाई दे रही होती है और एक गन शॉट की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। एलिस उठकर देखता है तो उसने बिस्तर गीला कर दिया होता है। अब इसके बाद एलिस रूम से बाहर जाता है तो वो अपनी मॉम को किसी से फोन पर बातें करते हुए देखता है। वो किसी से बोल रही होती है कि मैं ये नाटक करते हुए अब थक गई हूँ। तभी एलिस कुछ आवाज देता है और उसकी मॉम को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई था, लेकिन एलिस वहां से भागकर अपने रूम में जाकर सो जाता है। इसके बाद भी उसकी मॉम को उस बात पर विश्वास होता है कि यहाँ पर एलिस ही आया था। सुबह होते ही एलिस लुकस को सारी बातें बता रहा होता है तो तभी उनकी मॉम को फिर से किसी की कॉल आ जाती है। वो बात करने के लिए अपने रूम के अंदर चली जाती है। ये दोनों भी अपनी मॉम के पीछे पीछे उनके रूम में पहुंच जाते हैं और दरवाजे के बाहर से ही पूरी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से कोई आवाज नहीं आती। इसलिए बच्चे अपना शातिर दिमाग लगाते हैं और वॉकी टॉकी को एक रस्सी से बांधकर अपनी मॉम के बेड के नीचे रखने के लिए एलिस अंदर जाता है और वो नोटिस करता है कि उनकी फोटो मॉम के रूम में नहीं लगाई गई है। तभी उसकी मॉम कमरे में आ जाती है और वो बचने के लिए एक पर्दे के पीछे छिप जाता है। अब मॉम रूम में पहुंचते ही डांस करने लगती है और साथ ही वो सिगरेट भी पी रही होती है। इन सब बातों के अलावा उनकी नजर पास में बड़े डस्टबिन पर पड़ जाती है जहां पर वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को उस डस्टबिन के अंदर देखता है। अब एलिश का शक और भी बढ़ जाता है कि ये उसकी मॉम नहीं है। इसके बाद हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि बाथरूम के अंदर जाती है और अपने मास्क को उतार रही होती है, लेकिन एलिस की तरह ही हमें भी उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता। एलिस जो बेड के नीचे छुपा हुआ काफी डरा हुआ होता है, लेकिन अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि ये उसकी मॉम नहीं है। मॉम जब बाथरूम से बाहर आती है तो पास में ही पड़ी पेंटिंग को देखकर उसकी मॉम समझ जाती है कि रूम में कोई आया था और वो उस ड्रॉइंग को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद एलिस लुकस से बात कर रहा होता है और उसे सारे इंसिडेंट बताता है। अब ये दोनों सच का पता लगाने में जुट जाते हैं। सबसे पहले तो ये अपनी मॉम की एक फोटो खींच लेते हैं और उनकी पुरानी फोटो से मैच करके देखते हैं। तब वो उनको मैच कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम की आंखों का कलर तो ग्रीन था, लेकिन अब उनकी आंखों का कलर ब्लू हो गया है और ये बात उनके शक को पूरी तरह से यकीन में बदल देती है। तो ये बात एलिस अपने डैड को भी बताता है कि वो हमारी मॉम नहीं है। जब ये बात मॉम को पता चलती है तो वो कमरे में आती है और एलिस पर बहुत जोर से चिल्लाती है और साथ ही उसके फोन को लेकर वहां से चली जाती है। मॉम का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो उसके फोन को तोड़ देती है। अब इस बात पर तो लुकस को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि ये उनकी मॉम हो ही नहीं सकती और अब ये दोनों डरने भी लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनकी मॉम नहीं है तो उन्हें अपनी जान का खतरा भी होता है, इसलिए ये दोनों अपने कमरे को लॉक करके सोते हैं।
जब एक सो रहा होता है तो दूसरे को जागना होता था ताकि वो पहरेदारी कर सके। अब जैसे ही जागने की बारी एलिस की आती है तो वो उस रूम को खोलकर बाहर जाता है। वो अपनी मॉम को बाथरूम में देखता है जो कि बाथ टब में होती है और उनके फेस पर फेस मास्क लगा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर एलिस उस मास्क को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी मॉम की आंख खुल जाती है और वो उसको देख लेती है। एलिस बहुत डर जाता है और वो अपनी मॉम के सर पर मारकर वहां से अपने रूम में भाग जाता है और अपने कमरे को लॉक कर लेता है। मॉम को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजे को खोलने के लिए एलिस से कहती है, लेकिन एलिस अब बहुत ज्यादा डर चुका था इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलता है, जिस पर उसकी मॉम गुस्से में उसके दरवाजे को तोड़ देती है और अंदर जाकर उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो उन्हें बताता है कि आप हमारी मॉम नहीं हो, जिस पर वो और भी ज्यादा भड़क जाती है और एलिस को अपने साथ ले जाकर उस बाथ टब में बैठा देती है और उस पर ठंडा पानी तब तक डालती रहती है जब तक कि वो मान ना ले कि वो उसकी मॉम है। अब इसके बाद हम एलिस की मॉम को देखते हैं जो कि अलग ही क्रिएचर की तरह दिखाई दे रही होती है, लेकिन हमें जल्दी ही पता चलता है कि एलिस का नाइटमेयर था और उसे इस नींद से लुकस ने ही जगाया था, जो कि उसे कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए इससे पहले कि सुबह हो जाए। अब ये दोनों घर से भाग जाते हैं और उस रात बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो वो पास के ही खाली घर के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर सो जाते हैं। एलिस को फिर से वही नाइटमेयर होता है जिसमें उनकी मॉम एक क्रिएचर के रूप में उसकी तरफ आ रही होती है। तभी एलिस को फिर से नींद से जगा दिया जाता है और इस बार उन्हें पुलिस ऑफिसर ने जगाया था और वो लोग उनकी पूरी कहानी सुनते हैं, जिसमें एलिस उन्हें बताता है कि वो हमारी मॉम नहीं है और हमें उनसे जान का खतरा है। पुलिस ऑफिसर भी उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें एक सेफ प्लेस पर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं ये लोग तो उन्हें उनके घर लेकर जा रहे हैं। एलिस को समझ आ जाता है कि बच्चों की बातों का कोई भी भरोसा नहीं करता है। अब ये घर पहुंच जाते हैं जहां हमें पहली बार एलिस की मॉम का फेस दिखाई देता है जो कि उसकी ही माँ होती है। वो पुलिस ऑफिसर को थैंक्स बोलती है और बहुत सारी बातें उनसे करती है। तभी लेडी पुलिस उसके फेस पर लगी चोट के बारे में पूछती है, जिस पर वो उन्हें झूठ बोल देती है कि ये चोट नहाते टाइम लग गई थी। पुलिस वाले भी ज्यादा शक नहीं करते क्योंकि एलिस की मॉम टीवी स्टार थी और पुलिस वाले भी उनके फैन थे। अब पुलिस वहां से चली जाती है। अब ये दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि आखिर बच्चों की बात सुनता ही कौन है, इसलिए हम सुबह होते ही यहां से भाग जाएंगे। दूसरी तरफ हम उनकी मॉम को देखते हैं जो कि इस बात से दुखी है जो उन्होंने एलिस के साथ किया था। अब सुबह हो जाती है। हम एलिस को उसके बेड से बंधा हुआ पाते हैं जो कि एलिस से खुद को रिलीज करने के लिए बोलती है, लेकिन एलिस उन्हें उनकी पुरानी फोटो दिखाकर पूछता है कि तुम्हारी आंखें तो ब्लू थी, ये ग्रीन कैसे हो गई। तब उसकी मॉम उसे समझाती है कि शूटिंग करते टाइम मैं लेंस यूज करती हूँ और वो लेंस मेरे पर्स में है, चाहे तो देख लो। एलिस थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो लुकस से पर्स को चेक करने को बोलता है। लुकस जब पर्स देखता है तो उसमें लेंस नहीं थे। और साथ ही हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी मॉम पर पानी डालकर उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं। मॉम एलिस से कहती है कि मेरे हाथ खोल दो, मुझे पेन हो रहा है। एलिस को बहुत तरस आ रहा होता है। वो एक हाथ खोलने के लिए कैची उठाता है, तभी लुकस आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो उससे कहता है कि अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये हमें मार देंगे। लुकस बैग में सामान भरने लगता है, तभी वही पुलिस ऑफिसर घर आ जाते हैं और लुकस और एलिस बेहद डर जाते हैं, लेकिन वो दोनों उनको झूठ बोलकर वापस भेज देते हैं। अब लुकस और एलिस घर छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन एलिस का मन बिल्कुल भी नहीं था कि वो अपनी मॉम को ऐसे छोड़कर जाए। वो लुकस से बहाना बनाकर घर के अंदर जाता है और सबसे पहले वो अपनी मॉम का पर्स देखता है जिसमें उसे लेंस मिल जाते हैं। वो सोचता है कि लुकस ने उससे क्यों झूठ बोला। अब इसके बाद एलिस अपनी मॉम को खोल देता है और उनसे कहता है कि ये सब करने के लिए उससे लुकस ने कहा था। उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है। वो एलिस को लेकर बाहर आती है। लुकस वहां नहीं दिखाई देता तो उसकी मॉम एलिस को लेकर उसी कॉटेज में जाती है। एलिस वहां जाने से डर रहा होता है, लेकिन इस बार उसकी मॉम उसे उस स्पॉट पर ले जाती है जिसका सपना उसे हमेशा आता है। ये स्पॉट कुछ और नहीं बल्कि गोली से बना हुआ छेद था। अब हमें यहाँ एक शॉकिंग सच पता चलता है कि कुछ समय पहले जब एलिस और लुकस खेल रहे थे तब गलती से लोडेड गन एलिस से चल जाती है और गोली सीधे लुकस को लग जाती है, इसलिए एलिस यहाँ आने से डर रहा होता है। अब हमने जितना भी लुकस को देखा वो वास्तव में था ही नहीं, वो तो सिर्फ एलिस के भ्रम में जिंदा था क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि वो मर चुका है। सेम उसकी मॉम की हालत भी ऐसी ही थी। जब से लुकस मरा था उसकी मॉम इस बात से बेहद परेशान थी कि एलिस लुकस को भूल नहीं पाया है, बल्कि वो तो उसे बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह अपने साथ मानता है। अब ये सारी बात जब उसकी मॉम को पता चल जाती है तो एलिस अपनी मॉम को शूटिंग सेट से धक्का दे देता है जिससे नीचे गिरने की वजह से उसकी मॉम मर जाती है। तभी लालटेन से पूरा सेट जल जाता है और हम एलिस को भागते हुए देखते हैं। तभी पीछे से एलिस की मॉम और लुकस आ जाते हैं।
मॉम एलिस से कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया और उसे गले लगा लेती है। यानी अब लूकस और मॉम दोनों उसके भ्रम में जिंदा रहेंगे और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।